आज विजय दशमी है, यानी राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया था, उस घमंड का नाश हुआ था, टूटकर चकनाचूर हो गया था जो अहंकार में डूबा रावण के अंदर था। आज रावण का विजय दशमी के मौके पर वध रावण दहन का कार्यक्रम सभी जगह देश भर में मनाया जा रहा है, लेकिन विजय दशमी के मौके पर सोशल मीडिया पर किस तरीके से रावण दहन कार्यक्रम किया जा रहा है, किस तरीके से रावण को लेकर लोग बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक वाले इस त्योहार को लेकर बातें करें। दरअसल सोशल मीडिया पर 70 फीट 80 फीट 90 फीट के रावण की खूब चर्चा हो रही है, उसके इको फ्रेंडली बनने की भी चर्चा हो रही है, लेकिन हम एक ऐसे रावण की चर्चा करेंगे जो प्राकृतिक के द्वारा निर्मित किया गया है, प्राकृत के द्वारा, जो प्राकृतिक प्रेमियों का रावण है। रावण तो वैसे जब बनाया जाता है तो उसको जलाने में कई जगहों पर पुआल से लेकर पटाखों तक का इंतजाम किया जाता है। जलने के बाद जो धुआं ऑक्सीजन को नुकसान पहुंचाता है, वायुमंडल को प्रभावित करता है, उससे बचने के लिए कहा गया कि इको फ्रेंडली आतिशबाजी पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सोचिए, जब रावण जलता है तो धुआं निकलता है, आग लगती है और उससे कई लोगों को नुकसान और पोल्यूशन, अगर ऑक्सीजन को बचाया जाए तो ध्वनि पोल्यूशन होता ही होता है। लेकिन एक ऐसी तस्वीर जो आपकी आंखों को थोड़ा सुकून दे, रोशनी को और बढ़ा दे और आपके मन में एक नया उत्साह ला दे, नाश तो रावण का होना है, नाश उस अदृश्य शक्ति का होना है जो हमारे और आपके मन में बसा हुआ रावण है, हमारी बुराइयों को अंत करने वाला रावण का नाश होना है, विनाश उसका होना है और जीत हम सबके मन में बसने वाले उस राम का होना है जो हमारे अंदर और आपके अंदर बसता है, अपने अंदर की अच्छाइयों को, अपने बुराइयों को मिटाने से ज्यादा ताकतवर अपनी अच्छाइयों को मजबूत करना है, क्योंकि हमारी अच्छाई जब ताकतवर होगी तो बुराई अपने आप मिट जाएगी। ठीक इसी प्रकार का एक तस्वीर बहुत पुरानी है, कई जगहों पर देखा गया है और अक्सर रावण वध कार्यक्रम के मौके पर यह तस्वीर है आपके मोबाइल स्क्रीन पर या अलग अलग जगहों पर दिखाई पड़ जाती है। दरअसल ये रावण बिजली के दो खंभों पर बना हुआ है और इन खंभों को सहारा देने के लिए बिजली की जो तार जो लगा हुआ है, उन तारों के ऊपर जो जंगली पौधे हैं उग जाते हैं, वो रावण के शक्ल में खड़े दिखाई पड़ते हैं और इससे लेकर सोशल मीडिया पर कहा जाता है ये बिजली विभाग का रावण है। दरअसल बिजली विभाग आजकल स्मार्ट मीटर को लेकर विवादों में है, बवाल छिड़ा हुआ है कि मीटर के वजह से लोगों के घरों में रोशनी कम और बिल ज्यादा आ रहा है, बत्ती गुल मीटर चालू के मुद्दे पर लोग सड़क पर उतर गए हैं, राजनीति करने वाली पार्टियां भी सियासत करने से पीछे नहीं हट रही हैं। लेकिन सोचिए कि एक तरफ बिल के बोझ से दबे उपभोक्ता परेशान बिजली विभाग को रावण बताने पर तुले हैं, तो दूसरे तरफ खेतों के बीच में लगे बिजली पोल पर, बिजली के खंभों पर अगर रावण की आकृति अगर आपको दिखाई देने लगे तो फिर होगा ना भैया प्राकृतिक वाला रावण की चर्चा। बिल्कुल ये प्राकृतिक का रावण है जिसका नुकसान बिजली के तारों को नहीं है, जिससे नुकसान बिजली के खंभों को नहीं है, जिससे नुकसान बिजली को नहीं है, यानी ऊर्जा जहां से दिया जाता उसे नहीं है। हाँ सुकून है कि आसपास का इलाका हरा भरा है और इस पोल पर, इस बिजली के खंभे पर एक और पौधे ने प्राकृतिक की सुंदर छटा को मनमोहक बनाने के लिए अपना योगदान दिया है। हाँ ये वही रावण है जिसे मारने की बात श्री राम प्रभु ने की थी, ये वही रावण है जिसके विनाश के पर जश्न मनाया जाता है, ये वही रावण है जिसे हम अधर्मी और घमंडी कहते हैं, जिसके अहंकार को तोड़ने की बात करते हैं, हर जगह उसी रावण के खात्मे की कहानी कही जाती है। अब आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरें काफी पुरानी है, तस्वीरें नई है, तस्वीरें कब की है इस विवाद में नहीं पड़ना, हम तो बस आपको ये बता रहे हैं कि रावण पूरे देश में अलग अलग रंग में, अलग अलग रूप में, अलग अलग ऊंचाइयों पर, अलग अलग हाइटों से, अलग अलग ग्राउंड में, अलग अलग लोगों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। लेकिन एक तस्वीर
जो हर बार दिखाई जाती है, हर बार सुनाई जाती है, हर बार बताई जाती है, उस रावण की ये तस्वीर है जिसकी बातें आज खूब की जा रही है कि ये बिजली विभाग का रावण है जो लोगों के घरों में अंधेरे को दूर कर रोशन करने का तो जिम्मेवारी उठाया हुआ है, लेकिन इस रावण ने लोगों का जीना मुहाल भी कर दिया है। बिजली के बिल के जो दाम है वो लोगों के ऊपर महंगाई से भी ज्यादा भारी पड़ रहा। दरअसल लोगों की शिकायतें हैं, खास तौर पर अगर बिहार की सियासत से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और बिहार के रहने वाले लोग हैं और बिहार के आसपास के प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, तो आपको बिजली के बिल ज्यादा आने की शिकायत की जानकारी तो जरूर होगी। ये पहली बार नहीं हुआ बिजली बिल की शिकायत को लेकर, बिजली बिल ज्यादा आने को लेकर एक फिल्म भी आई थी और उस फिल्म के जो अभिनेता थे उन्होंने इसे बखूबी से दिखाया था कि किस तरीके से स्मार्ट मीटर के वजह से बिजली कंपनियों को फायदा और उपभोक्ताओं को नुकसान होता है। उस फिल्म की थीनी थी कि बत्ती गुल मीटर चालू, और अभी इसी मीटर पर बवाल देश भर में छिड़ा हुआ है। बिहार की राजनीतिक पार्टियों ने तो यहां तक ऐलान कर दिया था कि वो सड़क पर उतर कर लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर जो लगा हुआ है उसे नोच फेंकेंगे, और आज सोशल मीडिया पर भी वही बात कही जा रही है कि ये स्मार्ट मीटर वाला रावण कब दहन होगा, कब इस पर ब्रेक लगेगा, कब इस रावण के ऊपर रोक लगेगा। लेकिन रावण है, हर बार आता है, बिजली का बिल हर महीने आता है, आप जितना इस्तेमाल कीजिएगा बिजली का बिल का भुगतान उतना करना होगा। रावण भले बता दीजिए लेकिन अपनी जरूरतों को भी आपको लिमिटेशन में रखना होगा, तभी तो इस रावण से हम जीत सकते हैं। फिलहाल एक अच्छी तस्वीर जो आंखों को सुकून दे रही है, एक अच्छी तस्वीर जो रूह को सुकून दे रही है, और ये तस्वीर है इस प्रकृति के रावण की। विजयदशमी पर आप सभी को इस तस्वीर वाले रावण के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।